हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हमें मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करना फ्रैक्शन नंबर्स को, जो हमारे फ्रैक्शन नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एग्जांपल इज हियर 2/5 एंड 4/7। इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स विद द होल नंबर, होल नंबर्स के साथ भी करना है एंड फ्रैक्शन नंबर फ्रैक्शन के साथ भी करना है। सबसे पहले यहाँ पे कैसा नंबर है, फ्रैक्शन नंबर है जो फ्रैक्शनल नंबर के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। और इन सेकंड एग्जांपल, इसमें हमें क्या करना है, इसको मिक्सड, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम चेंज कर लेंगे। फिर ये हमारा कैसा नंबर है, होल नंबर, होल नंबर को भी हम इसमें हम इसमें तो मिक्स उससे करेंगे, फ्रैक्शन नंबर से, और इसमें होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं। फर्स्टली हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी है, हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी है न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। 2 × 4 एंड 5 × 7, 2 × 4 = 8 एंड 7 × 5 = 35, इट इज़ आर आंसर। मल्टीप्लिकेशन हमारा थोड़ा इजी होता है, और जो हमने पहले किया था प्लस एंड सब्ट्रैक्शन, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था हमने, उसमें हमारे कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा होते हैं, ये थोड़ा इजी होता है उससे। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे इसको, 10 × 10 = 100, 100 + 1 = 101/10, एंड हियर ये हमारा 15 है। ये हमारा कैसा नंबर है, होल नंबर है, होल नंबर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, फ्रैक्शनल नंबर में। कैसे, 15 जिसके नीचे हमारा न्यूमरेटर नहीं होता, उसके नीचे जिसके नीचे हमारा कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता है, हम वहाँ पे मान लेते हैं डिनोमिनेटर इज 1। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शनल नंबर में। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 101 × 15 / ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करना 101 की 15 से, इसकी मल्टीप्लाई करने से एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, और अपॉन क्या आएगा उसके 10 आएगा। फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, फिर हम उसको कट करेंगे, उसकी लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे इसको। इससे क्या होगा, हमारे बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होगा, हमें क्या करना है, इसको यहीं पे ही ऐसा आंसर लेके आना है जो हमारा पहले से ही लोएस्ट टर्म में हो। हमें इसके लिए देखना पड़ेगा कि हम इसको यहीं पे रिड्यूस कर दें लोएस्ट टर्म में। कैसे कर सकते हैं, हमें सबसे पहले इसमें हमें फाइंड करना है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कोई भी एक न्यूमरेटर लेना है और कोई भी एक डिनोमिनेटर लेना है, वे दोनों किसी भी सेम नंबर से कट हो सकते हैं, उस नंबर को हमें फाइंड करना है। हम इसमें देख सकते हैं 101 एंड 10, ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, इसमें हमारा कोई भी कट आपस में नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो जो दोनों जिसके टेबल में दोनों आते हैं। नाउ 10 और 15 में 5 के टेबल में दोनों आते हैं, सो हम इसको कट करेंगे, 5 × 2 = 10 एंड 5 × 3 = 15 हियर। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 303/2, इट इज़ आर आंसर। लेकिन ये हमारा कैसा है, हम इसको अभी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, 2 × 2 = 2, 2 × 5 = 10 एंड 3 × 2 = 2, 1 इज रिमाइंडर। सो कैसे लिखेंगे हम इसको, 151 रिमाइंडर कहाँ होता है हमारा, ऊपर, एंड डिवाइजर नीचे।
हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अगर आप एक स्टेप भूल भी जाते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना भूल जाते हैं, तब भी आपका ये करेक्ट आंसर है। कोशिश करें कि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके लिखें। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज 16 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। फर्स्टली क्या करेंगे हम इसको, इसके नीचे 1, जिसके नीचे हमारा डिनोमिनेटर नहीं होता है उसके नीचे हम 1 डिनोमिनेटर को मान लेते हैं। देन मल्टीप्लाई कर इसको हम चेंज करेंगे, 9 2 18 19 19 अपॉन 9। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 करना है। कोई भी ऐसा नंबर जिसके टेबल में कोई भी दोनों में से एक, हम चेक करेंगे, कोई भी हमें न्यूमरेटर लेना है डिनोमिनेटर लेना है। 9 1 9 मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है यहाँ पे, 9 and 19। क्या इन दोनों में कोई हमारा कॉमन नंबर है, कॉमन फैक्टर है दोनों का? इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। नाउ 45 and 9, इसमें कोई कॉमन फैक्टर? 9 के टेबल में दोनों कॉमन है, 9 1 9 9 5 45। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, 95, ये हमारा आंसर है। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारे फ्रैक्शन दिया होता है, यानी कि ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, कभी भी आपस में इन दोनों को कन्वर्ट मतलब कट नहीं होते हैं। बेसिकली कट किस से होता है, इस नंबर से, जो हम रिड्यूस करते हैं, ये वाला नंबर जो हम अलग से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको, आपस में वो कट होते हैं। ये जो एक साथ पहले से ही हमें फ्रैक्शन नंबर दिए होते हैं वो कट नहीं होते हैं, बस हमें ये चेक करना है कौन से नंबर कट होते हैं। वो एक होते हैं मोस्टली जो हमारे अलग से होते हैं लिखे हुए। थैंक यू।